हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग वेलकम बैक सो अवर क्वेश्चन इज अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ एटीन परसेंट हाँ इफ़ यीजेज द सेलिंग प्राइस बाय रुपीज़ वन फोर्टी फोर एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाय थर्टी परसेंट देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट वाट इज द ऑरिजिनल सेलिंग प्राइस ठीक है जैसे इसमें देखा जाए तो क्या बोला गया है सी पी और एस पी में कुछ चेंज किया जा रहा है देखते हैं क्या किया गया ठीक है तो सी पी में जैसे बोला गया है क्या अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ एटीन परसेंट तो सी जैसे मान लेते हैं हंड्रेड और इसको सेल किया गया कितने में एटीन परसेंट का लॉस में तो एटीन परसेंट लॉस माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा हम लोग एट्टी टू में ये सेल किया गया फिर आगे बोलता है इफ़ इफ़ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाई रुपीज़ वन फोर्टी फोर ठीक है तो इसको वैल्यू को भी छोड़ देना एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाय थर्टी परसेंट ठीक है कॉस्ट प्राइस डिक्रीज हो रहा है थर्टी परसेंट तो हंड्रेड का थर्टी परसेंट थर्टी हो गया तो मतलब बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हो गया हंड्रेड से सेवेंटी ठीक है क्योंकि थर्टी परसेंट डिक्रीज़ कर दिया अब बोला गया है द कॉस्ट प्राइस बाय थर्टी परसेंट दैन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट और प्रॉफिट कितने का हो रहा है ट्वेंटी परसेंट मतलब इस बार प्रॉफिट हो रहा है पहले बार बोला ना इस बार तो सेवेंटी का ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेवेंटी का टेन परसेंट सेवन हो गया और ट्वेंटी परसेंट फोर्टीन मतलब फोर्टी फोर्टीन इंक्रीज़ किया जा रहा है मतलब एटी फोर में बेचा जा रहा है पहले हंड्रेड से एटी टू पहले वाले केस में बोला गया था एटीन परसेंट का लॉस था इस बार बोला जा रहा है फोर्टीन परसेंट का प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट है तो फोर्टीन हम लोग ऐड कर दिए ठीक है तो अब जो सेलिंग प्राइस में बोला गया है यहाँ बोला गया था इफ ही इंक्रीजे द सेलिंग प्राइस बाई वन फोर्टी फोर यहाँ एक्चुअल में देखें तो सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है वन फोर्टी फोर इंक्रीज होना चाहिए तो टू से कितना टाइम्स ज्यादा हो गया वन फोर्टी फोर टू से सेवेंटी टू टाइम्स तो जैसे यहाँ जो जैसे सेवेंटी टू टाइम्स हो रहा है तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा सेवेंटी टू टाइम्स लेकिन पूछा क्या यहाँ वाट इज द ऑरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑरिजिनल सेलिंग प्राइस कौन सा इसमें ये वाला ठीक तो है तो एटी टू सेलिंग प्राइस है तो ऑरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाए हम लोग का ऑरिजिनल एस पी बराबर आ जाएगा ये एटी टू को भी क्या कर देंगे सेवनटी टू टाइम्स एटी टू इंटू सेवेंटी टू ठीक है तो देखते हैं ये क्या आता है तो एटी टू सेवनटी टू 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 जब फोर टू एट जब सिक्सटीन सेवन टू जब फोरटीन वन कैरी सेवन एट जब फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन तो ये आ जा रहा है हम लोग का फोर सिक्स फोर टेन जीरो वन कैरी सेवन वन एट और वन नाइन तो फाइव नाइन जीरो फ़ोर कितना आ जा रहा है हम लोग का ये आ जा रहा है फाइव नाइन ज़ीरो फोर तो देखते हैं फाइव नाइन जीरो फ़ोर ऑप्शन में है क्या तो ये थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हम लोग का फाइव नाइन जीरो फ़ोर है ठीक है तो इस तरह काफ़ी इजीली हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ठीक है तो आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो रेट जरूर करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो किसी स्टेप में डाउट हो तो ओके बाय ऑल द बेस्ट